गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर्स के। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो एंड विंड, ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ वेदर कहलाते हैं। सबसे पहला जिसमें है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर। किसी भी दिन में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, और जो लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है, ये उसका पिक्चर है। अब द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर हम कब रिकॉर्ड करते हैं? तो द मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज रिकॉर्डेड इन द अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग का जो टाइम होता है उस टाइम जो टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो पर्टिकुलर डे रीच सम टाइम इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में जिस टाइम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस टाइम हाईएस्ट टेम्परेचर को हम मैक्सिमम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में किसी पीरियड में होता है और उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा एलिमेंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। किसी भी एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई, जब एयर में वाटर वेपर का अमाउंट जो होता है वो हाई होता है तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी क्या है? हाई। लेकिन जब एयर में वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी नहीं है या 0% है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं कि एक मैक्सिमम अमाउंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर होल्ड कर सकती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ये देखिए पिक्चर है हाइग्रोमीटर का, इससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। रेन एंड स्नो। रेनफॉल इज जनरली मेजर इन मिलीमीटर्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। रेनफॉल जो होती है वो कितनी रेन हुई है उसको हम मिलीमीटर में मेज़र करते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र करते हैं उसको हम रेन गॉज बोलते हैं। ये देखिए ये पिक्चर है रेन गॉज का, इसको किसी भी ओपन एरिया में रख देते हैं। जब बारिश होती है तो 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है उसमें ये जितना भरेगा और जिस मार्क तक पहुँचेगा उतना हम कह देंगे कि इतनी बारिश, इतने मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं रेन गॉज। फोर्थ एलिमेंट हमारा है विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। और जब विंटर में ठंडी हवाएं नॉर्दर्न साइड से बहती हैं, है ना, प्लेन साइड में, तो वो हवाएं बहुत कोल्ड होती हैं। और ड्यूरिंग समर द विंड ब्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया टूवर्ड सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। जब समर का टाइम होता है तो वेस्टर्न इंडिया से सेंट्रल और ईस्टर्न साइड में जो हवाएं बहती हैं जिसको हम मानसून कहते हैं। तो हमने फोर एलिमेंट हमने पढ़े हैं जो कि एलिमेंट ऑफ वेदर होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो, और लास्ट वन इज विंड। इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा।